हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल कुमारी, जीएम प्लस टू हाई स्कूल की मैथ्स टीचर। आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ का एक न्यू चैप्टर सांख्यिकी पढ़ाऊंगी। चैप्टर नंबर है 14। पिछले क्लास में, मतलब क्लास नाइन्थ में भी हम लोगों ने सांख्यिकी पढ़ा है। उसमें माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना सीखा है, जिसमें हम लोगों ने अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना सीखा था। तो आज उसका हम लोग थोड़ा सा रिविज़न करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 10 स्टूडेंट्स हैं और उनका 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ और 10 स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स मिले हैं। जैसे 10 स्टूडेंट्स हैं, मान लेते हैं किसी को 1 नंबर मिला है, किसी को 2, किसी को 3, फिर 3, फिर 3, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 8 और किसी को 10। तो टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स है और ये 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ है। उसमें इस तरह के नंबर्स अलग अलग तरह के बच्चों ने पाया है। अब हम लोग इस आंकड़े का माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे क्लास नाइन्थ में निकालते थे वो एक बार रिकॉल करते हैं। तो माध्य निकालने के लिए, माध्य मतलब मीन, माध्य को हम लोग मीन भी कहते हैं। तो इसका माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी डाटा है, उसको हम लोग ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे कि ये कितने मतलब कितने स्टूडेंट का डाटा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। तो पहले हम लोग इसको टोटल ऐड करते हैं, 1 और 2, 3, 3 और 3, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12 और 4, 16, 16 और 5, 21, 21 और 6, 27, 27 और 8, कितना होगा, 27 और 8, 35, 35 और 10, 45। तो ये सारे आंकड़ों को, सारे डेटा को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो 45 हमें मिल रहा है। और ये कितने स्टूडेंट्स का डाटा है, 10 स्टूडेंट्स का डाटा है, 10 ऑब्जर्वेशन है, तो हम यहाँ पे इसको 10 से डिवाइड करेंगे और जो रिजल्ट होगा वो होगा 4.5। ये हो गया हमारा मीन। इस तरह से हम लोग मीन निकालते थे। अब हम लोग माध्यक निकालेंगे, जिसको हम लोग मीडियन भी कहते हैं। तो माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैंने पहले ही ऐसे संख्याओं को लिखा है जो ऑलरेडी अरेंज्ड है आरोही क्रम में, मतलब छोटी से बड़ी संख्याओं में अरेंज्ड है। तो हम लोग इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग सीधे इसका माध्यक निकालते हैं। माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यक जो आंकड़ा है उसका एकदम सेंटर नंबर जो होता है वो माध्यक होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ से 4 और यहाँ से 4 नंबर के बीचों बीच 3 और 4 संख्याएं आ रही है, जो दो संख्याएं आ रही है, एग्जैक्ट हमें एक नंबर नहीं मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को सम करके, जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो हमें माध्यक मिलेगा। तो 3 + 4 / 2 = 7/2 और ये हो जाएगा 3.5। तो इस तरह से इसका माध्यक निकला। अगर हमारे पास 11 स्टूडेंट का डाटा होता, मतलब कि हमारे पास 11 स्टूडेंट का डाटा होता, तो वो तो एक इवेंट ऑड नंबर हो जाता, तो हमें एग्जैक्ट बीच का नंबर हमें मिल जाता। जैसे अगर 11 बच्चे होते तो 5 इधर से 5 इधर से और बीच का नंबर हमें माध्यक मिल जाता। लेकिन जब 2 नंबर बीच में आए तो हमको माध्यक निकालने का तरीका पता होना चाहिए। ये तरीका ऐसा है जब हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। अब हम लोग निकालेंगे बहुलक। बहुलक को हम लोग मोड भी कहते हैं। बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्या है जो बार बार रिपीटेड है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 ऐसा संख्या है जो कि 3 बार रिपीट हुआ है और कोई संख्या इतनी बार रिपीट नहीं हुआ, तो हम बहुलक जो है वो 3 लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास नाइन्थ में निकालना सीखा था। और ये बताने का मकसद इसलिए क्योंकि ये क्लास टेंथ में जैक बोर्ड में 1-1 मार्क के क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तो अब हम लोग आज इस वीडियो में माध्य निकालना सीखेंगे। माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। 3 विधियां, सबसे पहली विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि और तीसरी विधि का नाम है पग विचलन विधि। ठीक है, तो जो नया सिलेबस आया है उसमें आपको 2 विधि, जैसे कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, वो नहीं पढ़ना है। आपको मीन निकालना सीखना है डायरेक्ट मेथड से, मतलब प्रत्यक्ष विधि से। तो आज हम लोग उसको निकालना सीखेंगे। बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे जो एक्सरसाइज 14.1 का है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया
जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए, जो आंकड़े यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें इसमें माध्य निकालना है। तो ये जो पौधों की संख्या है 0 से 2, 2 से 4 इस तरह से दी हुई है, और घरों की संख्या भी है, घरों की संख्या भी दी हुई है, उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ये 1 है, यहाँ यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 5, ये 6, यहाँ 2 और 3। अब इस क्वेश्चन को हम लोग प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड से निकालना सीखेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से निकालने का सूत्र क्या होता है, माध्य को हम लोग x के ऊपर बार द्वारा भी निरूपित करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। यहाँ जो सिग्मा है इसका मतलब होता है समेशन, यानी जोड़, ठीक है। तो अब हम लोग सीखते हैं यहाँ पर एफ आई कैसे, ये जो दिया हुआ है पौधों की संख्या, हम लोग इसको पौधों की संख्या ना लिख करके सी आई भी लिख सकते हैं, यानी कि क्लास इंटरवल, जिसको हम लोग हिंदी में वर्ग अंतराल कहते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे सी आई, क्लास इंटरवल, और ये है घरों की संख्या, तो इसको हम लोग एफ आई से भी डिनोट करेंगे, जिसको हम लोग फ्रिक्वेंसी या बारंबारता कहते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलेगा, एक्स आई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी क्लास इंटरवल है, ये जो दो संख्या आपको नज़र आ रहा है, एक को हम लोग इसको कहते हैं लोअर लिमिट और इसको कहते हैं अपर लिमिट, उच्च निम्न सीमा और उच्च सीमा। अब ये दोनों को जोड़ करके हम लोग अगर दो से डिवाइड करें तो हमें एक्स आई प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जैसे ये 0 से 2 है, अगर हम लोग 0 + 2 और इसको डिवाइड करें 2 से तो हमें यहाँ 1 प्राप्त होगा। तो इसको यहाँ पे लिखते जाना है। अब इसी तरह 2 और 4 को हम लोग जोड़ते हैं और 2 से भाग देंगे तो हमें एक्स आई फिर से मिलेगा। तो 4 और 2 6, 6 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3, उसके बाद 6 4 10, 10 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमें 5 मिलेगा। फिर 8 और 6 14, 14 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमें 7 प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ पे 10 और 8 18, 18 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे 9, और यहाँ पे 10 और 12 को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 और 12 ये हो गया 22, 10 10 20 22, और 2 से डिवाइड करने पर हमें 22, यहाँ 11, और 12 और 14 को जोड़ेंगे तो 24 26, और 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13। यहाँ आप देख रहे हैं कि 0 से 2, यानी यहाँ 2-2 का गैप है, 2-2 का डिफरेंस है। तो इस तरह से जो हमारा एक्स आई आया, यहाँ भी 2-2 का गैप है, 1 में 2 ऐड करते तो 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5। तो इस तरह से हमें एक्स आई प्राप्त हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, सूत्र में आप जैसा देख रहे हैं एफ आई एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई ये दोनों मल्टीपल में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एफ आई इंटू एक्स आई लिखेंगे, और एफ आई इंटू एक्स आई ये दोनों, यहाँ एफ आई है यहाँ एक्स आई है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग को यहाँ लिखना है, ठीक है। तो 1 × 1 ये तो 1 ही होगा, 2 × 3 6 होगा, 1 × 5 5 होगा, 5 × 7 35 होगा, उसके बाद 6 × 9 54 होगा, उसके बाद 11 × 2 22 होगगा, 13 × 3 39 होगगा, ठीक है। अब हम लोगों को सूत्र में क्या लिखा हुआ, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई ये प्राप्त है। अब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई मतलब जो यहाँ पे हमारा डाटा है उन लोगों को जोड़ करके लिखना है, तो हमें यहाँ पे इकट्ठे लिखने हैं। तो हम लोग इसको पहले जोड़ लेते हैं, तो 9 2 11 11 और 4 15 15 5 20 20 5 25 25 और 6 25 और 6 31 31 और 1 32 32 का 2 3 बचा 3 और 3 6 6 2 8 8 5 13 13 और 3 13 14 15 16। तो यहाँ आया 162। तो ये सारे आंकड़ों को जोड़ने पर सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर हमारा आया 162। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई, एफ आई का आंकड़ा यहाँ पे, अब इन लोगों को भी जोड़ेंगे हम लोग। तो सिग्मा एफ आई बराबर जितना भी बारंबारता सबको जोड़ते हैं, 3 और 2 5 5 और 6 11 11 5 16 1 17 17 2 19 और 1 20 20 एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 3 2 5 5 और 6 11 11 5
11 और 5 16 16 17 18 19 21 ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सूत्र में जो जो रिजल्ट आया है हम लोग उसको यहाँ पे रखते जाएंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, 162 162 को हम लोगों को यहाँ रखना है। और सिग्मा एफ आई हमारा 20 आया है, अब इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं ठीक है। अब इसको डिवाइड कर इसको काटेंगे, दो से कटेगा। अब 81 डिवाइडेड बाय 10 है तो इसका आंसर होगा 8.1। तो यह हमारा माध्य निकल गया। और माध्य निकालने का सबसे आसान तरीका होता है प्रत्यक्ष विधि, और बाकी के क्वेश्चन जो है आप इसी तरह खुद ही सॉल्व कीजिए। थैंक यू।